दोस्तों नमस्कार। प्रकृति में ऐसी ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती हैं जिसके गुणों का जितना वर्णन करें उतना ही कम होता है। ऐसे ही महुआ, यह आयुर्वेद के मुताबिक बहुत ही फायदेमंद पौधा है और आमतौर पर गमलों में काफ़ी घरों में पाया जाता है, क्योंकि आजकल बैक्टीरिया और वायरस बढ़ती ही जा रही है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती जा रही है। यदि आप अपने घर के अंदर ऐसे पौधे भी लगाते हैं तो भी आप कई प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस प्रकार के पौधों की खुशबू मात्र से कई प्रकार के इन्फेक्शन व बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। इसके हमारे जीवन में बहुत ही फायदे हैं जो हम आज जानेंगे। नंबर एक, मरवा की एक ऐसी स्मेल या गंध ऐसी है जिसके पास बारिश के समय में मच्छर मक्खी आ जाते हैं तो मच्छर मक्खी बिच्छू और तो और सांप भी नज़दीक नहीं आता। इसकी स्मेल से ये सब दूर भाग जाते हैं, इसलिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर दो, छोटे बच्चों के पेट में दर्द या कीड़े होने से पेट दुखता है तो इसके पत्तों की चटनी बनाकर खिलानी चाहिए। यदि ज़्यादा छोटा है तो पत्तों का रस निकाल कर 3 से 4 बूंद बच्चे को पिलाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। नंबर तीन, मरवा पेट के अंदर अपच को दूर करता है तथा भूख को बढ़ाता है। इसके लिए इसके पत्तों की चटनी में अदरक डालकर बनाने चाहिए। यदि खाना खाने का मन नहीं है तो भी आप खाना खा सकते हैं, इसकी चटनी में इतना फायदा होता है। नंबर चार, मुंह की बदबू, गले में खांस, बोल बैठ जाना में मरवे के पत्तों का काला नमक डालकर काढ़ा बनाएं और उसके गरारे करने से तथा ऐसे भी पत्तों के चबाने से आराम होगा। मरवा के सुगंध मात्र से मरवा को आप सूंघते हैं उससे ही आपकी नाक बंद खुल जाएगी और नाक की फुंसी भी ठीक होगी। नंबर पाँच, मरवा के पंचांग, जड़, तना, पत्ते, फल, फूल का काढ़ा बनाकर डेली 100 ग्राम लेने से गठिया में आराम होता है और सूजन भी चली जाती है। नंबर छः, मरवा के पत्तों को तेल में गर्म करके उस तेल से अपने शरीर की मालिश करने से आपका बढ़ा हुआ ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और स्किन की बीमारी भी ठीक होगी। नंबर सात, सर्दी, जुखाम और खांसी के लिए इसके पत्तों का काढ़ा पिया जाता है और यदि आप चाय के शौकीन हैं तो इसके पत्ते को चाय में डाल करके पी सकते हैं। यह पौधा तुलसी के समान गुणकारी होता है। नंबर आठ, यदि आपको माइग्रेन या सिर दर्द है, इसके पत्तों का रस की 2 या 4 बूंद आपको नाक में डालने से आराम होगा। नमस्कार।